हमारे गर्मा गर्म सूट मांगुन रेडी है। ये देखिए, ये कश्मीर की बहुत ही फेमस डिश है। इसे गरम गरम चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सूट द वांगुन बनाना सिखाऊंगी। सूट का मतलब होता है सेब और वांगुन का मतलब होता है बैंगन। सूट मैंने ही पहले ऑलरेडी ही काट रखे हैं। हमें हरे कलर के सेब चाहिए होते हैं। ये देखिए, ये कश्मीर में मिलते हैं, यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा मीठे होते हैं, लेकिन कश्मीर के जो ग्रीन सेब होते हैं वो थोड़े खट्टे होते हैं। इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ज़ीरा, हींग, सौंफ पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, सौंठ पाउडर, नमक और लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च। मैंने पैन में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें अपने बैंगन और सेब को तलूंगी। मैं इसमें अपने बैंगन डाल रही हूँ। फ्लेम आप स्लो ही रखिएगा। इसे हमें डीप फ्राई करना है। हमारे बैंगन तल गए हैं। अब मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसी में मैं अपने सेब को भी तलती हूँ। हमें सेब को ज़्यादा नहीं तलना है, थोड़ा शैलो फ्राई करना है, क्योंकि सेब जल्दी ही पकने लगते हैं। मैं इन्हें थोड़ी देर तलती हूँ। सेब तल गए हैं, इनको भी मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं तलना है, मैंने ये पहले भी बताया है। मैं तो इसे फ्राई कर रही हूँ। कुछ लोग फ्राई नहीं करते हैं, कुछ डायरेक्ट ही डाल देते हैं। गरम हो गया है, अब मैं इसमें ज़ीरा, ही सौंठ पाउडर, हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी डालनी है हल्दी, एक चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर, इसमें साथ में ही आप पानी डाल दीजिएगा जिससे मसाला जलेगा, सौंठ पाउडर। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको मिर्ची थोड़ी कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सौंफ पाउडर आधा चम्मच के करीब और डाल देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँ और फ्लेम थोड़ी हाई रखिए और इसे थोड़ी देर उबलने दें। हमारे मसाले में थोड़ी उबाल आ गई है, अब मैं इसमें अपने सेब और बैंगन डाल दूँ और इसे मिक्स कर दूँ।
उसे थोड़ी देर उबलने के लिए हम रख देंगे। इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इसमें ज़्यादा पानी नहीं यूज़ किया जाता है, और थोड़ी देर अब पकने के लिए हम इसे रख देंगे 5 मिनट तक। इसमें मैं थोड़ी खड़ी लाल मिर्च भी डाल दी, कश्मीरी खड़ी लाल मिर्च, और इसे थोड़ी देर उबलने के लिए रख देती हूँ। हम चेक कर लेते हैं अपने सूट और वांगुर को, ये देखिए कितना प्यारा कलर है। हमारे सूट और वांगुर रेडी हैं, मैं इसे अब अपने बाउल में निकाल देती हूँ। हमारे गर्मा गर्म सूट वांगुन रेडी हैं, ये देखिए। ये कश्मीर की बहुत ही फेमस डिश है, इसे गरम गरम चावल के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये।